दिल्ली के उपराज्यपाल का एक्शन, डीडीसीडी के उपाध्यक्ष को किया बर्खास्त, जाने क्या है पूरा मामला। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने दिल्ली संवाद एवं विकास आयोग उपाध्यक्ष जैस्मिन शाह को उनके पद से मुक्त कर दिया है। आपको बता दें कि इसके साथ ही उपराज्यपाल ने आदेश जारी किया है कि जैस्मिन शाह की सभी सरकारी सेवाओं और सुविधाओं पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए, साथ ही उनके कार्यालय को बंद कर दिया जाए। जैस्मिन शाह पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जैस्मिन शाह आम आदमी पार्टी के नेता हैं, जो डीडीसीडी के वाइस चेयरमैन थे। यहां आपको ये भी जानकारी दे दें कि दिल्ली में नगर निगम के चुनावों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में सभी पार्टियां अपने अपने चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। ऐसे में जैस्मिन शाह की सेवाओं पर रोक लगाने के बाद ये आम आदमी पार्टी को बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। गौरतलब है कि डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन यानी डीडीसी दिल्ली सरकार का थिंक टैंक है। जैस्मिन शाह आम आदमी पार्टी के नेता हैं, जो इस बॉडी के वाइस चेयरमैन थे। प्रशासनिक आदेश मिलने पर एसडीएम सिविल लाइंस ने डीडीसी कार्यालय परिसर को गुरुवार देर रात सील कर दिया। जैस्मिन 4 वर्ष पहले डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन ऑफ दिल्ली के वाइस चेयरमैन बने थे। अरविंद केजरीवाल की कैबिनेट में उनके नाम पर मुहर लगी थी। आशीष खेतान के इस्तीफा देने से मंत्री के समकक्ष वेतन भत्ते व सुविधा वाला ये पद खाली हुआ था। जैस्मिन शाह वर्ष 2016 से दिल्ली सरकार को बजट, ट्रांसपोर्ट जैसे मुद्दों पर सलाह भी देते आ रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सीएम अरविंद केजरीवाल से कहा है कि राजनीतिक उद्देश्यों के लिए अपने कार्यालय का दुरुपयोग करने के लिए डीडीसीडी के उपाध्यक्ष के पद से जैस्मिन शाह को हटाएं। उपराज्यपाल कार्यालय की ओर से जारी पत्र में डीडीसीडी के कार्यालय को भी सील करने का आदेश दिया है। दरअसल एलजी ही दिल्ली के प्रशासक हैं, इसलिए अरविंद केजरीवाल को उनका आदेश मानना ही होगा। हालांकि विपक्ष शुरू से ही डीडीसी के गठन और इसमें हुई नियुक्तियों पर सवाल उठाता रहा है। इस संबंध में उपराज्यपाल को भी शिकायत कई बार की जा चुकी है। अब उपराज्यपाल ने यह फैसला लिया है। अरविंद केजरीवाल ने डीडीसीडी के गठन के 7 वर्ष पूर्व होने पर कहा था, सरकारों में ये देखा जाता है कि अधिकारियों के पास समय नहीं होता है, जल्दबाजी में वो ऐसी योजनाएं लाते हैं जो फेल हो जाती हैं। वहीं दिल्ली सरकार की योजनाएं फेल नहीं होती हैं। कारण ये है कि दिल्ली सरकार की योजनाओं को लागू करने से पहले उनकी ड्राफ्टिंग के समय ही पूरा अध्ययन किया जाता है। डीडीसी ने कोरोना के समय बहुत काम किया। जो लोग बेरोजगार हो गए थे उन्हें काम दिलवाने के लिए, कारोबारियों और काम करने वालों को एक मंच पर लाने के लिए रोजगार पोर्टल बनाया, गरीबों को राशन देने के लिए ई कूपन बनाया। दिल्ली इलेक्ट्रिक नीति डीडीसी के प्रयास से ही आई है। तो ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।